स्कूल अपने लेवल पे अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, कोई भी विदाउट मास्क नहीं रहेगा। देखिए, ये जो पैंडेमिक है इसका किसी को न कोई एक्सपीरियंस रहा है न किसी को अंदाज़ा रहा है, तो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। फर्स्ट वेव रही हो या सेकेंड वेव रही हो, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और उनको कम से कम इनकन्वीनियंस हो। देश के कई राज्यों में स्कूलों को दोबारा खोला जा रहा है। कुछ राज्य में स्कूल खोले जा चुके हैं तो कुछ में तैयारियां चल रही हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है। यूपी में ऊपरी कक्षा यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खोलने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा कोचिंग संस्थाओं के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। सरकार के इस आदेश को देखकर आजमगढ़ जिले के सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर और सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर में भी 16 अगस्त से स्कूल ने सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप पठन पाठन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सबसे पहले विद्यालय परिवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को भारत सरकार के अमृत महोत्सव के अनुरूप मनाने के बाद 16 अगस्त से विधिवत पठन पाठन शुरू कराएगा, जिसकी सूचना कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को दी जा चुकी है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मैनेजर डॉक्टर आजाद खान ने बताया कि हमारे यहाँ कोविड को ध्यान में रखते हुए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत हमने सैनिटाइजेशन बूथ बनाया है, जिससे होकर बच्चे गुजरेंगे और पूरी तरह से सैनिटाइज होंगे। उनका टेम्परेचर यानी कि तापमान भी उनके शरीर का मापा जाएगा। साथ ही स्कूल की तरफ से मास्क की भी व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट की एक नई गाइडलाइंस आई है। सारे स्कूलों को ये आदेश दिया गया है कि वो 16 अगस्त 2021 से क्लास 9 टू 12 के बच्चों के लिए खोले जाएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे विद्यालय ने, सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ और सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर ने, अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। पूरे स्कूल को हालांकि रेगुलरली सैनिटाइज कराया जाता है। अलॉन्ग विद दैट हम अपने जो बस फैसिलिटीज़ हैं, जो बच्चे कन्वेंस से आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने बसों को भी सैनिटाइज कराया है। ज़्यादातर नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ भी प्रॉपर वैक्सीनेशन ले चुके हैं। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सैनिटाइजेशन बूथ लगाया है। प्रॉपर टेम्परेचर सबका एंट्री और एंट्री के वक्त लिया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि कैंपस में कोई भी स्टाफ या स्टूडेंट्स 16 को, क्योंकि स्कूल खुलेगा, कोई भी विदाउट मास्क नहीं रहेगा। हमने ये भी इंश्योर किया है कि क्लास में जो बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट हो वो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस को देखते हुए किया जाए। डॉक्टर आजाद खान ने बताया कि क्लासरूम में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे जब स्कूल आएंगे तो उन्हें कोविड की एक प्रिंटेड गाइडलाइंस भी दी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में बच्चों को शिक्षा दी जा सके। स्कूल अपने लेवल पे अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। जगह जगह पे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान देते हुए साइन बोर्ड्स लगाए हैं, एंट्री पे लगाए हैं, एग्जिट पे लगाया है, स्टेयर्स पे लगाया है, इवन क्लासरूम पे भी गाइडलाइंस लगाई है। बच्चों को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने की एडवाइस दी गई है। अलॉन्ग विद दैट जो हम एक प्रिंटेड एडवाइस अपने बच्चों को जब वो पहले दिन विद्यालय आएंगे, हालांकि वो एडवाइस हमने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है बच्चों को, पर जब वो बच्चे स्कूल आएंगे एक प्रिंटेड एडवाइस कोविड-19 को देखते हुए भी हम उनको अवेलेबल कराएंगे।
एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के बारे में ना ही किसी के पास अनुभव था और ना ही किसी को ऐसी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सभी की जान बचाने की कोशिश की। स्कूलों के लिए सरकार के अस्पष्ट आदेश थे कि स्कूल बंद किए जाएं। फिर ऑनलाइन एजुकेशन में CPS ने जिले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। अब जब स्कूल खोलने के आदेश आए हैं तो पूरी कोशिश होगी कि पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। जब हमने डॉक्टर आजाद खान से पूछा कि आखिर सरकार ने स्कूलों को खोलने के लिए क्या मानक तय किए हैं, इस पर डॉक्टर आजाद खान ने जो जवाब दिया वो हम सभी को सुनना चाहिए। देखिए, ये जो पैंडेमिक है इसका किसी को न कोई एक्सपीरियंस रहा है न किसी को अंदाजा रहा है, तो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे पूरी कोशिश की है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। फर्स्ट वेव रही हो या सेकंड वेव रही हो, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और उनको कम से कम इनकन्वीनियंस हो। उसी कॉन्टेक्स्ट में टाइम टू टाइम लॉकडाउन लगाया गया और सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगी उन्होंने किया। स्कूल्स को लेकर के स्पेसिफिक डायरेक्शन आया, हालांकि बच्चों के करियर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए सजेस्ट किया और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा विद्यालय जनपद में सबसे आगे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में रहा है। लॉकडाउन 1 से लेकर के हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशली अगर इस सेशन की बात करें, सेशन 2021-22 की बात करें, 1st of April 2021 से हम सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। बीच में एक छोटा सा पीरियड था जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना किया था क्लासेस के लिए, उस पीरियड को छोड़ करके हम 1st अप्रैल 2021 से कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं 16 अगस्त से जब ऑफलाइन क्लासेस बच्चे स्कूल में आके पढ़ सकते हैं, उस दिन से 9th to 12th को हम स्कूल में बुला करके पढ़ाएंगे। सरकार के इन आदेशों के बाद निश्चित तौर पर बच्चे एक बार फिर स्कूल जा सकेंगे। वहीं CPS ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्हें इंतजार है तो 15 अगस्त का, ताकि जश्न आज़ादी अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने के बाद अगले दिन यानी कि 16 अगस्त को जब बच्चे स्कूल आना शुरू करें तो सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो सके।